नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पटना के हाई प्रोफाइल केस जिम ट्रेनर विक्रम सिंह के ऊपर जानलेवा हमला के मामले में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी यानी कि खुशबू कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो अभी फिलहाल बेगूर जेल में बंद थे। लेकिन हम आपको बता दें कि खुशबू ने अपनी जमानत याचिका दायर की थी और वो जो याचिका है वो खारिज हो गई है। जी हाँ, इस पर हम आपको बता दें कि इस मामले में पटना के ADJ राकेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। जब से खुशबू की नियमित जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी तब से ही जिम ट्रेनर के जो वकील है यानी कि द्विवेदी सुरेंद्र, वो इसका कड़ा विरोध कर रहे थे क्योंकि 7 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट की तारीख थी और इस दिन दोनों पक्षों के वकील ने अपने अपने पक्ष की जो बहस है वो पूरे तरीके से निभाई, अपने अपने पक्ष की बात रखे, लेकिन इस पर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस दिन कोर्ट की हेडिंग थी उस दिन विक्रमादित्य की जो इंजरी रिपोर्ट थी उसको कोर्ट में पेश करना था, लेकिन उस रिपोर्ट में गड़बड़ी के कारण वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं हो पाया। हम आपको बता दें कि जिस समय विक्रमादित्य पर हमला हुआ था उस वक्त वो फिर बुरे तरीके से घायल हो गए थे और उन्हें PMCH में एडमिट कराया गया था और करीब 11 दिन तक उनका इलाज चला। और जब इलाज कराकर वो वापस से डिस्चार्ज हुए तो उन्होंने जब रिपोर्ट देखा तो उस रिपोर्ट में उनका कहीं भी कोई नाम ही नहीं था, यानी कि उस रिपोर्ट उनके नाम से कोई रिपोर्ट ही नहीं बना था, उनके भाई के नाम से रिपोर्ट बना था। और कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी हो सकती है कि अगर विक्रम के नाम से कोई रिपोर्ट ही नहीं बनेगा तो ये हम कैसे साबित कर पाएंगे कि विक्रम जो है उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इसी का फायदा जो है वो कोर्ट के जो खुशबू के वकील हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की थी और बहस के दौरान ही खुशबू के वकील ने यहाँ तक कह दिया था कि विक्रम को कुछ भी नहीं हुआ और घटना तो सचिन के नाम के युवक के साथ हुई थी। यानी कि ये साफ तौर से है कि विक्रम के नाम से जो रिपोर्ट है जो कि कोर्ट में पेश करनी थी वो रिपोर्ट ही उनके पास नहीं था और जब नाम सुधरवाने के लिए PMCH भेजा गया था तो उसमें काफ़ी देरी हो गई और जिस दिन हियरिंग था उस दिन वो रिपोर्ट वहाँ पे जमा नहीं हो पाई। और पुल जो खुशबू के वकील थे उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया लेकिन इस बात का कोर्ट पर कोई भी असर नहीं हुआ। इस मामले में इंजरी रिपोर्ट बार बार मांगने के बाद भी पेश नहीं किए जाने पर कदम कुआं थाने की पुलिस पर नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही साथ कहा गया कि 8 दिसंबर तक कोर्ट में विक्रम की जो इंजरी रिपोर्ट है वो पेश नहीं की गई तो इस मामले में अपना आदेश जो है वो पारित कर दिया जाएगा। कोर्ट के इस फटकार के बाद फिर कदम कुआं थानेदार एक्टिव हुए और SSP उपेंद्र कुमार शर्मा की तरफ से उन्हें खास निर्देश दिया गया। तब जाकर पुलिस ने भागदौड़ करके PMCS से सचिन की जगह पर विक्रम का नाम इंजरी रिपोर्ट पर अंकित करवाया और इस रिपोर्ट के आते ही कोर्ट ने सीधे तौर पर खुशबू की नियमित जमानत याचिका जो थी जो खुशबू ने दायर किया था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिम ट्रेनर के वकील यानी कि द्विवेदी सुरेंद्र बताते हैं कि कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में भी यह स्पष्ट तौर से क्लियर कर दिया कि ये जो आवेदक है खुशबू सिंह ने ही विक्रम की हत्या करवाने के लिए सुपारी देकर अपराधियों को हायर किया था और इस बात की पुष्टि वारदात में शामिल अपराधियों ने जो पुलिस को बयान दिए थे उसके साथ ही ये बात जो है वो साबित भी हो जाती है। इतना ही नहीं, अब तक जो भी केस जारी कोर्ट में पेश की गई इसमें इस बात को भी लिखा गया कि खुशबू सिंह का नाजायज संबंध जो है वो विक्रम के अलावा अन्य लोगों के साथ भी था। तो इस तरीके से जो जानलेवा हमले में विक्रम सिंह घायल हुए थे विक्रमादित्य और उन्हीं की कोर्ट में जो हेयरिंग थी कि आखिर क्या होता है, खुशबू ने इसको लेकर जमानत याचिका दायर की थी, वो याचिका जो है वो अब खारिज कर दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। धन्यवाद।